ठीक। अरे पापा खाना खा लो और आप शांत रहो इसलिए। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और अभी बज रहे हैं दिन के 2 और अभी मैं स्कूल से आया, मैंने खाना खाया और अभी मतलब सोने के लिए। रुको यार पापा प्लीज आप जाओ खाना खा लो ना। सो ठीक है गाइस अभी हम थोड़ी देर अपना रेस्ट करते हैं। अरे मेरी वीडियो के बीच में ना इनके बोलने की बड़ी गंदी आदत है। ये देखो ये जाओ आप खाना खाओ और अभी हम थोड़ी देर मामी जी के साथ लेते हैं और फिर उठने के बाद आपसे मिलते हैं शाम को। मेरी चार्जर खो गया, मिल नहीं रहा है गाइस। मैं अभी उठा और मैंने चार्जर देखा, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गया। सो वही हम ढूंढ रहे हैं, आइए देखते हैं। आ करो जरा, कहीं आपके पेट के अंदर तो नहीं है? आप करो पुष्पा, आ करो। अरे तो छोटी सी है, इसके कहाँ होगा। वेरी हार्ड टास्क गाइस। स्कूल के बैग में देखें, इसमें भी नहीं है। अम्मा फोन का चार्जर है आपके पास? फोन का चार्जर है? नहीं पता। शिट। ओफो गाइस, ना कल रात में अंदर वाले कमरे में बेड में बैठ के देख रहा था कपिल शर्मा शो, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मैंने चार्जर हटाया, पता नहीं वहीं से गुम हो गया, अब मिल नहीं रहा है। क्या हुआ, मिल गया? देखते हैं गाइस, एक चीज मिला है। देखिए ये मेरी सोने की बाली गाइस, देखिए ये मेरी सोने की बाली जो कि मेरे इस कान से थी और इस कान से एक तो खो गई थी। ये वही है खोई हुई, एक तो खो गई थी, एक ये मिल गई गाइस। मैं पता है सोच ही रहा था, दोनों कान में सोने की बाली इतनी मेहनत से हमने खरीदी थी। पहली बार हुई जब मेरा जने हुआ था, उस टाइम पिछले साल हुआ था, उस टाइम हमने इतनी मतलब मम्मी जी ने खरीदी थी मिले, उसके बाद एक हो गई, मुझे अच्छा भी नहीं लगा और अभी मिल गया। सिर से पहनाएगी मेरी मम्मी जी मुझे, ठीक है? कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरे कान वापस भर निकले। रुको रुको रुको, सही लग गया। अब इसे पहनते हैं, पहनाओ मोटी से नहीं पतले से डालना। खाई जा मेरे कान है, आराम से डालना प्लीज 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 प्लीज, आराम से आराम से। आइए माँ बंजर पड़ जाओ क्या? हाँ टेढ़ा कर दिया ना? नहीं है टेढ़ा, नहीं पहले इधर दिखाओ, टेढ़ी है, यहाँ से नहीं डालनी, यहाँ से डालते हैं, यहाँ से डालती हूँ। आराम से आराम से, छेद है, आराम से डालो। अम्मा का कान तू ले ले, अम्मा को दे दे अपना कान। हाँ गाइस मेरी अम्मा के कान में इतने बड़े बड़े छेद हैं, अब थोड़ा खोजे हैं। क्या है बड़े 10 रुपए? जस भी है डाली दिया फिर धन्यवाद। नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं, मैं भले ही सुनार से 10 करोड़ रुपए दे के डलवा लूं, लेकिन नहीं, हो गया गाइस, बहुत हो गया गाइस। ठीक है अब डल गई बत्ती, मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। 10,000 करोड़ बस गाइस, क्या करूँ, मुझे कार साफ करने वाला बना दिया, गरीब आदमी हो गया हूँ। और गाइस अभी तो हमें बाहर से देखिए मम्मी जी अभी जा रही है, क्या कर रही हो, घास काटने जा रही हो? वैसे भी मम्मी जी जा रही है मेरे स्कूल के जूते पहन के, जो कि जब मैं छोटा होता था मुझे छोटे हो गए थे, अब मम्मी जी उनको पहन के जा रही है घास काटने के लिए। आप जाओ घास लेने आना है। हाँ। मैं तो नहीं आऊँगा, आऊँगा आ जाऊँगा। और पापा जी यहाँ पे रोड में घूम रहे हैं। हाँ गाइस सबसे मेन काम अभी हम यहाँ पे बैठ के मतलब कार के अंदर बैठ के, काफ़ी टाइम से हमने कार खोली नहीं है ना, सो अभी हम बैठ के इसमें सुन रहे थे FM, आप भी सुनिए। सुना ना आपने गाइस, सो भी कार की ना बैटरी कहीं खत्म ना हो जाए वरना फिर धक्का भी नहीं होता है इसमें, इसलिए अच्छे से बंद कर देते हैं। और आप अगर सुनेंगे ठीक है, वरना जैसा भी है गाइस सीन बड़ा बढ़िया आ रहा है ना, एक पिक्चर तो बनती है। छोटा सा प्यार सा नाना सा बच्चा, आय आय लाओ काटता हूँ। अरे ये क्या दे दिया, इससे तो लग जाएंगे अम्मा जी सालो। रुको मैं अपना असली हथियार लाता हूँ, इससे पूरी दुनिया डरती है, देखिए गाइस। स्पीड से थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं थोड़ा स्पीड से काटूंगा। ओ भैया लेट्स काटते हैं गाइस, ये पी काट दिया, अब इसके छोटे छोटे पीस बना देता हूँ फिर हम चलते हैं गाइस घूमने। हाँ यहाँ पे तो बहुत सारा वो लगा हुआ है, सांप वाप हुआ तो अंदर। गाइस अब हम जा रहे हैं बहुत ही सुनसान और बहुत ही खौफनाक जगह।
आइए चलते हैं। गाइस देखिए अभी हमें जंगल के बीचों बीच बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बीच मुझे दिख गया, ये है वो सरिया। कितनी लानी है? दो हैं, तो ले आता हूँ। गाइस गाइस दलदल में हमारा पाँव धंसता जा रहा है, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। ये गाइस देखिए ये क्या है, पता नहीं, यहाँ से निकलते हैं। ये लो गाइस, पापा जी अभी कर रहे हैं पाइप साफ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी काई जमा हो गई है, इसीलिए पाइप साफ कर रहे हैं। पापा जी को हम पाइप साफ ही करने देते हैं और अभी हम चलते हैं तरुण को बुलाने के लिए, अगर वो घूमने के लिए चल रहा है तो। साइकिल मैंने निकाली है, उसी में जा रहे हैं पीछे उसके घर। गाइस आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी हमें कहीं जाने का मौका मिला है, कहीं ना कहीं से बाधा आई है, हमेशा मैंने देखा है। तो अभी एक बाधा और आ गई, मेरी बहन को हल्दीचौड़ में कुछ काम है, ये जैसे ही मैं जा रहा था उसको बुलाने बोल लिया चल वहाँ जाना है। अब मैंने कहा, इतने चिल्ला के बोली, मैंने कहा अब मना करूँगा, कहीं थप्पड़ वप्पड़ पड़ गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना आप लोग के सामने। सो अभी हमें जाना है इसको लेके, सो छोड़ के आते हैं, भगवान करे रात ना हो बस। तो आ जा जल्दी आ जा। गाइस वो तो गई है अभी दूध डेरी दूध देने के लिए, पता नहीं इतना धीरे चलती है कछुए की चाल। अभी मैंने यहाँ पे बस गाड़ी इसीलिए रोकी है, इतने रास्ते में आने जाने वाले लोग इतने हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि क्या ऐसी बहन सबको मिलनी चाहिए। गाइस रास्ते भर में इतनी एकदम, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 40 की स्पीड से, बोलिए 20 की स्पीड से चला क्योंकि इसके बाल खराब हो जाएंगे। क्या ऐसी बहन मिलनी चाहिए, भगवान ऐसी बहन सबको दे, क्योंकि जितना वो लोग परेशान करते हैं अपनी बहनों को, उतना ही बहन ने भी उन्हें परेशान करना चाहिए, इसीलिए भगवान ऐसी बहनें सबको दे। गाइस अभी मैंने तो अपनी बहन को छोड़ दिया है, वो अपनी उसकी फ्रेंड के वहाँ, और अभी हम यहाँ पे आ गए ग्राउंड में, क्योंकि बाद में वहाँ पे हाईवे था, वहाँ पे मज़ा भी नहीं आ रहा था, सब गाड़ियाँ आगे पीछे, यहाँ पे शांति से लोग घूम रहे हैं आराम से, और हम भी यहाँ पे आ गए घूमने के लिए। और मैंने भी आपको दिखाया पर मतलब 100 से ज़्यादा लोग हैं जो कि पैदल घूमने के लिए आ रखे हैं, और यहाँ पे ना अभी कुछ टाइम बाद सारे फ्लैट बनने वाले हैं, हमें तो अंदर आने भी नहीं देंगे शायद यहाँ के लोग, इतनी लंबी एरिया में बनेंगे। और घूम रहे हैं, फिर भी थोड़ा घूमते हैं फिर चलते हैं हम घर, और मिलते हैं हमसे शाम को। आज हम घूमने तो जा नहीं पाए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे अचानक से आपको पता ही है कहा, उसके बाद मैंने ये भी कहा कि ऐसी बहन सबको मिलनी चाहिए, सो कल जाएंगे गाइस पक्का। मैं रोज़ बोलता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को ज़्यादा दिल से मत लीजिएगा। और अभी हम थोड़ा अपना घूमते हैं यहाँ पे, उसके बाद घर ही चलते हैं, फिर शाम को मिलेंगे आपसे। गाइस अभी तो मैं शॉप से लाया मूंग दाल, और देखिए मैंने इसमें क्या अपनी क्रिएटिविटी चलाई, मूंग दाल के ऊपर प्याज, उसके ऊपर टमाटर, उसके ऊपर नमक और हल्दी। मेरे दिमाग में तो था कि मैं उसको फ्राई भी करूं, बट मैंने नहीं किया, मैंने कहा ऐसी बढ़िया इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट तो आ रहा है बढ़िया, बट इसमें लाल मिर्च थोड़ी हो गई ज़्यादा, कोई नहीं हम खा लेंगे, बोलो जुआ कैसी, आई मीन प्याज और टमाटर, ठीक है ना। सो पापा आप भी खाओ, टेस्ट तो करो, मेरी बहन ने खाया कैसा रहा, रुक जा देखा 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 खाने के लिए मस्त तो रहा ना, ठीक है गाइस अभी खाते और मिलते हैं आपसे, रुक जा। सब्जी का किया गाइस अभी तक ना पापा जी वहाँ अंदर बैठ के भूट रहे हैं मक्का, और वहाँ की सारी वो क्या बोलते हैं उसे, धुआं मेरे ऊपर ही आ रहा है सब, तभी देखिए इतना पसीना आ गया ऊपर से पंखा चलने के बाद। और खाने में है स्पेशल कद्दू की सब्जी, पता नहीं आज मेरा कद्दू की सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा मन किया। और बाहर गए बारिश आने स्टार्ट होगी, मैं आपको दिखाऊं, दिखेगी नहीं फिर भी दिखाई देता हूँ, चलो 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 चलो, ये देखिए गाइस, लेट्स सी गाइस बारिश आने स्टार्ट होगी। तो अभी हम अपना लंच करते हैं और फिर एडिटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, ओह छिरी ने काट लिया, उसके बाद से मिलते हैं। आज मौसम बड़ा बेमान है, रोज ही बोलता हूँ छोड़ो। अभी गए सारा काम धाम निपटा के अब हमारी सोने की तैयारी चल रही है, बट इतना मन लग गया इस टीवी सीरियल में, क्या करें
मम्मी जी और मैं मतलब सुबह से देखे ही जा रहे हैं। मैं तो मतलब जब से मैंने लंच किया एडिटिंग साथ में एक नजर वहाँ देखे जा रहे हैं। अभी भी बंद नहीं हुआ और बज गए रात के 11:30। सो गाइस अभी तो हम थोड़ा और देखते हैं और अभी हम वीडियो की एंडिंग करते हैं। अभी ना मेरे बाल में बड़ी खुशी सी हो रही थी, मैंने बाल भी ऊपर कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।